नमस्कार, मैं बलजी ढाका, पिनाकल कोचिंग सेंटर से आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम करते हैं द मोस्ट इम्पोर्टेंट 100 मैट्रिक्स फॉर एसएससी सीजीएल पार्ट 80। ये 20 पार्ट्स की सीरीज चल रही है शॉर्ट ट्रिक्स रिलेटेड, और उसमें पार्ट 18 है ये कर रहे हैं। 17 पार्ट ऑलरेडी हो चुके हैं। दिस प्रेजेंटेशन इन हिंदी मीडियम, दो स्टूडेंट हु वांट टू वॉच प्रेजेंटेशन इन इंग्लिश मीडियम, दे कैन रेफर अनदर प्रेजेंटेशन विच इज इन इंग्लिश मीडियम, बट दिस प्रेजेंटेशन इन हिंदी मीडियम। जो ये वाले प्रेजेंटेशन, इसमें मैं बताने की कोशिश करूंगा कि माइंड सेट कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए क्या होना चाहिए। यह बहुत जरूरी है, क्योंकि आज के टाइम में एक तो कॉम्पिटिशन का लेवल बहुत ज्यादा हाई है, ऊपर से क्या है कि कोचिंग देने वालों और गाइडेंस देने वालों में वो भी दुनिया है। अगर आप गूगल पे सर्च करोगे या यूट्यूब पे सर्च करोगे तो आपको दुनिया फ्री पढ़ाती मिलेगी, लेकिन एक्चुअली इससे जो स्टूडेंट्स हैं वो किस ढंग से मिसगाइड हो रहे हैं, इससे भी आपको एक इस प्रेजेंटेशन में झलक मिलेगी, वो भी हम देखेंगे। और उसको कैसे निपटा जाए, एक स्टूडेंट का माइंडसेट कैसे हो, अगर उसको सिलेक्शन की तरफ बढ़ना है तो हम उसको देखेंगे कि कैसे उसकी अप्रोच हो सकती है, वो इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से ज्यादा चर्चा में होगा। इस प्रेजेंटेशन में मैंने जो क्वेश्चन उठाए हैं वो है टायर टू की जो अभी टेस्ट सीरीज चल रही है हमारी, उसमें से, क्योंकि उसी को लेकर मैं यहां पे आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा माइंडसेट से रिलेटेड। तो अब माइंडसेट होना क्यों इंपॉर्टेंट है और क्यों एक एग्जाम के लिए फोकस होना जरूरी है, देखो आज के टाइम में अगर कॉम्पिटिशन देखा जाए तो किसी एग्जाम में 50 लाख, किसी एग्जाम में 90 लाख, अभी प्लस टू बेस पे भी आएगा सीएचएसएल, उसमें मुझे लगता है कि लगभग 1 करोड़ के आसपास लोग अप्लाई करेंगे। और जब एसएससी सीजीएल का फॉर्म आगे निकलेगा तो उसमें कम से कम 50 लाख लोग जरूर अप्लाई करेंगे। कई देशों की इतनी पॉपुलेशन नहीं है जहां इंडिया में इतने लोग अप्लाई कर देते हैं। और वैकेंसी कितनी होगी, अगर एसएससी सीजीएल की बात करें तो 5000 से लेकर 10000 के बीच में हो सकती है 5000 से, क्योंकि जो वेबसाइट पे दिखाया जा रहा है उसमें 5000 से कम है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि हमेशा ये फिगर अपग्रेड होता है। अपडेशन के बाद में 5 से 10 हजार के बीच में वैकेंसी होगी, या 5000 के हिसाब से लगाएं तो देखिए 5 लाख को अगर मैं 5000 से डिवाइड करूं तो एक वैकेंसी के पीछे 1000 एप्लीकेंट है। एक वैकेंसी के पीछे, अब अपने कॉलेज की तरफ देखिए आप, किस कॉलेज में 3-4 हजार के आसपास लोग होते हैं, इसका मतलब अगर पूरा कॉलेज इसमें फॉर्म भरे और तैयारी करे तो लगभग 2-3 बच्चों का सिलेक्शन होने की संभावना होगी पूरे कॉलेज से 3 बच्चों के आसपास। तो इसका यह भी प्रायः जब आप सेंटर में जाते हैं और वहां पर सेंटर पे 1000 कैंडिडेट के आसपास आपको लगते हैं कि इतने लोगों ने एग्जाम दिया, तो सिर्फ एक बच्चे का सिलेक्शन ऑन एन एवरेज आएगी, सिलेक्शन की एवरेज वो एक बच्चे की आएगी। इसका इसी से अंदाजा लगाइए कि कितना कॉम्पिटिशन है, 0.1% हुआ है। तो इसका मतलब हर चीज आपकी टिप्स पे होनी चाहिए। आप इस गलत फहमी में जिंदा नहीं रह सकते कि मुझे मैथ आ गया या मुझे इंग्लिश आ गई और आपका सिलेक्शन होगा। 50 लाख में जो बोलेंगे ये कि कम से कम 4-5 लोग ऐसे जरूर होंगे जिनको ये सब आता होगा। क्या सभी का सिलेक्शन होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? ऐसा नहीं हो सकता कि आपको मैथ आने से इंग्लिश आने से सिलेक्शन हो सकता है, क्योंकि वैकेंसी कम है, वैकेंसी आपके पास सिर्फ 5000 के आसपास होगी। इसका मतलब यह हुआ कि आपको भी आ रहा है, आपके बगल वालों को भी आ रहा है मैथ, या 1000 में से कम 100 लोगों को तो मैथ आ रहा है। अभी 100 लोगों में से आपको एक टॉप कैसे करना है, सिलेक्शन तो उसी का होगा। तो अब सिंपल सी यह बात हुई कि आपके पास वो हुनर स्किल्स और बहुत फ्राटेदार ऐसी चीज होनी चाहिए जो इन सबको मात दे दे। और अगर आपने ये नहीं सोचा कि मैं 1000 में से एक बनना है, मुझे सिर्फ मैथ आना नहीं है, आपका लक्ष्य मैथ आना हो ही नहीं सकता, आपका लक्ष्य 1000 में से एक आना होगा। इसके लिए आपको तैयारी करनी है, सिर्फ मैथ सीखने के लिए तैयारी नहीं करनी, आप पहले ही छूट जाओगे। और बड़ा इंटरेस्टिंग बात होगी, जो ये 50 लाख लोग हैं या जो 1000 का मैंने एवरेज के हिसाब से बताया, उसमें से 100 लोग ऐसे भी होंगे, 50 लोग ऐसे भी होंगे
जो खुद भी चाह रहे दूसरों को पढ़ा रहे हैं। तो आप एक ये भी अंदाजा लगाइए कि जब वो खुद ही इस मामले में गड़बड़ हो रही है उनके साथ में और दूसरों को वो ज्ञान दे रहे हैं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता कि हर आदमी ही इसके लिए काबिल होगा पढ़ाने के लिए। मैं अपने आप को नहीं बता रहा हूं, लेकिन फिर भी एक मैसेज जरूर दे रहा हूं उसके माध्यम से, और वो मैसेज इस आधार पर दे रहा हूं क्योंकि एक एक में आने के लिए आपको क्या करना पड़े, उसको कैसे आप समझें, उस बात को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो लेवल ऑफ कॉम्पिटिशन इज वेरी हाई ऑलरेडी, और एक बात और, इस 5000 वैकेंसी में भी या जो 10000 वैकेंसी अगर ज्यादा से ज्यादा होगी तो उसमें से बहुत सारे कैंडिडेट 70% कैंडिडेट ऐसे भी होंगे जिनका ऑलरेडी सिलेक्शन हो चुका है और उस सिलेक्शन में दोबारा वो अप्लाई कर रहे हैं। ये उनका राइट है अप्लाई करना, लेकिन ये भी जरूर है, इसका मतलब जनरली में देखा जाए तो सिर्फ 2000 वैकेंसी के लिए ही बाकी दुनिया है वो अप्लाई कर रही है, इस 2000 वैकेंसी पर ही वो बाकी लड़ाई लड़ी जा रही है। अब मैं एक एग्जांपल के रूप में बताता हूं, जो आज भी मेरे पास एक फोन आया बॉम्बे से और उसने हमारा कोर्स खरीदा ऑनलाइन कोचिंग बैच, और उस वो एग्जामिनर लगा हुआ है बॉम्बे में, एग्जामिनर बॉम्बे में, ऑल इंडिया में थर्ड रैंक 2014। आप इस, और उसका बोलना क्या है कि मैं अपनी जॉब से खुश नहीं हूं, मैं नॉर्थ इंडिया में आना चाहता हूं, और नॉर्थ इंडिया में मैं कोई जरूरी नहीं हूं एसएससी सीजीएल, मैं इस तरह के और भी एग्जाम दूंगा, चाहे वो हरियाणा निकले या दिल्ली निकले यूपी निकले, लेकिन मैं नॉर्थ इंडिया में आऊंगा, चाहे वो हरियाणा का नायब तहसीलदार हो या एचपीएससी का कोई एग्जाम हो, लेकिन वो उसका ये बोलना है कि मैं मैथ इंग्लिश ठीक है मेरी, लेकिन फिर भी मैं इसको रिवाइज कंटिन्यूस करना चाहता हूं, मैं आपको काफी टाइम से फॉलो कर रहा हूं, तो इसलिए मैं सोच रहा हूं कि मैं इसको अब ढंग से तैयारी करूं क्योंकि एग्जाम आने वाला है। अब सोचिए जो लोग ऑलरेडी लेवल पे 3 है वो भी इस ढंग से तैयारी कर रहे हैं और वो भी अप्लाई कर रहे हैं, तो सोचिए कि ऐसे ऐसे लोग तो और भी बहुत है, और आपने खुद भी देखा जो लोग असिस्टेंट लगे हुए हैं इनकम टैक्स असिस्टेंट या बाकी एक्साइज में असिस्टेंट, तो वो लोग है अपर रैंक के लिए ट्राई कर रहे हैं। ऑथेंटिक वैकेंसी मेरा कहने का मतलब है जो कि फ्रेशर के लिए लड़ाई होगी वो 2000 वैकेंसी के आसपास होगी। तो एक अंदाजा लगाइए कि इसमें कितना तगड़ा कंपटीशन होगा। ट्रेडिशनल अप्रोच कैन नॉट हेल्प यू आउट टू गेट ए जॉब। अब मैसेज यहां पे क्या है कि आमतौर पर जो आपको आप डिफरेंस अपने आप को करियर करना है, क्योंकि 1000 में मैंने बताया, अब इस रेंज को देखें तो और भी ज्यादा टफ कंपटीशन होगा। आप बोल सकते हैं कि 2-3 हजार में से एक बंदे का नंबर आएगा, अब 2-3 हजार में से एक बंदे का आने के लिए, और जिसमें कम से कम ऐसे लोग होंगे जिन्हें 500 को मैथ आ रहा होगा, लेकिन वो 500 में से या 500 100 को जरूर आ रहा होगा। अब 100 में से बेस्ट किसको आ रहा है, फैसला इसका होना है, ये नहीं होना कि मैथ आ रहा है या नहीं आ रहा है या इंग्लिश आ रही है नहीं आ रही है, रीजनिंग आ रही है नहीं आ रही है, बेस्ट किसको आ रही है उस पर फैसला होगा। और इसी माइंडसेट को लेकर किसी बच्चे ने एक कमेंट किया है किसी मेरे वीडियो पे, और मैं आपको यहां पे उस कमेंट को पढ़कर सुना रहा हूं। मैं सिर्फ उस बच्चे के बारे में नहीं बोल रहा, मैं उस जनता के बारे में बोल रहा हूं जो एप्लीकेंट के बारे में, जो जिनकी संख्या कम से कम 80% है और वो इस कंपटीशन के मायने नहीं समझ रहे, जो मेरी आज की प्रेजेंटेशन का पूरा मकसद है कि इसको समझाना कि आपको 100 में से मैथ आता है उसमें कैटेगरी में खड़ा होना है या बेस्ट आता है उसमें खड़ा होना है, उसका डिफरेंस आपको देखना है। तो उसने लिखा है क्या क्या किया मास्टर जी, ये कमेंट है मेरे कोई टायर 2 के वीडियो लेक्चर के ऊपर, टायर 2 टेस्ट 3 चल रहे हैं उसके वीडियो के लेक्चर के ऊपर, क्या क्या किया मास्टर जी, मैथ ऐसे बताएंगे तो हो गया, कहां से कैसे किए डिटेल बताइए, एसएससी का डिस्क्राइब कर रहे हो और आप डिटेल नहीं बता रहे हो, बिना डिटेल के एक्सप्लेन कर रहे हो, प्लीज दोबारा समझाएं, किसी भी क्वेश्चन में 11-14 कर दूंगा क्या। तो एक इस बच्चे की मेंटेलिटी देखिए, एक तो लैंग्वेज है इसको ये पता नहीं, किसके जो टीचर है वो हाईली एक्सपीरियंस टीचर है, वो मिनिमम 10,000 स्टूडेंट को पढ़ा चुका है, वह एसएससी सीजन के बच्चों को पढ़ा चुका है, जिन बच्चों ने 190+ स्कोर किया है, तो और वो बच्चे उनको फॉलो कर रहे हैं जो कि ऑल इंडिया में 100 में होते हैं, और ये बच्चे का बोलेंगे एक तो भाषा, इससे पता चलता है कि उसको डिफरेंस नहीं है, मतलब सभी टीचर एक जैसे लग रहे हैं, एक तो ये चीज है। लेकिन मैं इस पर ज्यादा नहीं जा रहा, मेरा मकसद आपको इस लैंग्वेज से कि डिटेल में समझाइए,
सर जो कॉलेज जो स्कूल का मैथ होता है और जो कॉम्पिटिशन का मैथ है दोनों में फर्क नहीं समझ रहा और हाईली घूम रहा है, उसको लगता है कि वो मैथ सीखेगा और मैं ये बोल रहा हूं वो सीखेगा, सिलेक्शन नहीं होगा उसका कभी भी, क्योंकि वो जिस ढंग से समझने की कोशिश कर रहा है, जिस लेवल का मैथ समझने की कोशिश कर रहा है, वो पहले ही कॉम्पिटिशन से बाहर है और ये बात उसको कभी पता भी नहीं चलेगी कि उसका सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। ज्यादातर स्टूडेंट के साथ यही प्रॉब्लम हो रही है कि उसको ये भी पता नहीं चलता कि ये मेरिट क्यों हाई जा रही है या सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। और ये किसी भी क्वेश्चन में 11-14 है वो क्या है वो हम थोड़ा देखें। अभी मैं वही क्वेश्चन उठा रहा हूं जाए शायद इसमें शायद इसका कमेंट उसी के ऊपर होगा, मैं उसी क्वेश्चन को अभी लूंगा और मेरा भी जवाब उस पर मैंने ये बोला है कि देखो ये टायर टू की एक्सप्लेनेशन है और हम ये मानकर चलते हैं कि जब आपको 2000 या 1000 बस एक में सिलेक्शन होना है तो मैं ये कुछ बेसिक चीज नहीं समझा सकता यहां पे, आपको उस लेवल का मैथ समझना होगा, उस स्पीड से समझना होगा जिसमें कि सिलेक्शन करवाए, क्योंकि टायर टू के बच्चे कौन होंगे, वो होंगे जिनको ऑलरेडी कुछ ना काफी कुछ आता होगा और 130, 40, 50 स्कोर वो ऑलरेडी कर रहे होंगे, वो आगे कैसे स्कोर करें, ये इस टेस्ट सीरीज का मकसद होगा। इस टेस्ट सीरीज का मकसद ये नहीं हो सकता टायर टू की टेस्ट सीरीज का मकसद कि कोई फ्रेशर है मैथ में भी उसको समझ नहीं आ रहा और उसको इस टायर टू की सीरीज के जरिए मैथ समझाया जाए, उसके लिए तो हमारे पास और प्लेटफॉर्म है जो हम लोग जो कॉन्सेप्चुअल क्लासेस प्रोवाइड करते हैं, आप मेरे बहुत सारे वीडियो हैं इसमें कॉन्सेप्चुअल के, वो आप समझ सकते हैं, लेकिन टायर टू एक बिल्कुल अलग चीज है। और टेस्ट थ्री में समझाना होगा तो ऑब्वियसली एक स्पीड पे समझाया जाएगा। वी आर एक्सपेक्टिंग बेसिक लेवल ऑफ स्टूडेंट टू वॉच दिस वीडियो, फॉर डिटेल एंड कॉन्सेप्ट गो टू बेसिक वीडियो, यू मस्ट नो फॉर्मूला एंड प्रॉपर्टी बिफोर वॉचिंग, हियर आई कैन नॉट एक्सप्लेन डिटेल और एबीसीडी ऑफ एनी क्वेश्चन, हाईली एडवाइज नॉट टू वॉच दिस वीडियो इन दिस वे। और मेरा बाकी स्टूडेंट को भी यही है कि अगर कोई कॉन्सेप्ट समझ रहा है और मेरे ट्रिक्स के वीडियो देख रहा है तो ट्रिक्स का मतलब यह है कि कोई चीज को वो कैसे स्पेशल तरीके से समझाया है, मैं कि उसको कॉन्सेप्ट समझा रहा है। और मैंने अपने कई वीडियो में बोला भी है कि जो लोग बहुत बेसिक करना चाहते हैं वो इन वीडियो को न देखें, ये उन लोगों के लिए जिनको ऑलरेडी मैथ आ रहा है, क्योंकि हम सिलेक्शन की तरफ उसको ले जा रहे हैं, मैं कि उसको मैथ सिखाने के ऊपर फोकस है, मैथ सिखाने के लिए दूसरे वीडियो है वो देखिए आप। और यही क्वेश्चन मैं एक बार दोबारा लाता हूं जिससे आपको भी वही क्लैरिटी हो जाए, क्योंकि मैंने सिर्फ इसका एक पॉइंट लिया है इस बच्चे का, इसका कसूर हो नहीं होगा, लेकिन ऐसे तो 80% स्टूडेंट है उनको भी हम देखते हैं। अब मैं वो क्वेश्चन उठा रहा हूं, ये क्वेश्चन है जिसपे किस बच्चे का ये सोचना है। अब देखिए ए वायर बेंट इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर, और इसी क्वेश्चन से आपको बहुत ज्यादा क्लियरिटी हो जाएगी कि 190 प्लस स्कोर करने के लिए आपको कैसा मैथ होना चाहिए। वायर बेंट इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर इंडोसिस इन एरिया 484 सेंटीमीटर स्क्वायर, इफ द सेम वायर इज बेंट सोज टू फॉर्म ए सर्कल देन द एरिया ऑफ सर्कल इज, ये बच्चा कैसे सीखना चाह रहा है देखिए आप, ये बच्चा सीखने की कोशिश होगी जहां तक मैं समझता हूं, पहले डायग्राम बनाओ इसका, फिर उसको यह बताया जाए कि एक्स स्क्वायर, अगर ये एक्स है ये भी एक्स है ये भी एक्स है और ये भी एक्स है, और ऐसे ये एग्जाम्पल बनाएगा बच्चा, एक्स स्क्वायर है इसका साइड का स्क्वायर है वो 484 है, दूसरी तरफ हमें एक सर्कल लेना है और इस सर्कल का जो पैरामीटर है वो इसके बराबर है, द सेम वायर इज बेंट सो एज टू फॉर्म ए सर्कल, मतलब ये जो वायर है उसको इस सर्कल के रूप में हमें मोड़ना है, देन एरिया ऑफ द सर्कल इसका एरिया और इसका एरिया, अब इसका एरिया दे दिया हमें इसका एरिया बताना है, लेकिन इसका पैरामीटर सेम होगा, इसका मतलब हमें पहले इसका पैरामीटर निकालना पड़ेगा, तो x कितना होगा हम इसका रूट करेंगे 484, जो कि मैं उम्मीद करता हूं कि रूट सबको पता होगा 484 का 22, क्योंकि मैं ये नहीं समझा पाऊंगा आप इस क्वेश्चन में, इतना बेसिक नहीं समझा सकता, अगर डिटेल में भी समझा रहा हूं तो। अब इसका पैरामीटर इसका मतलब कितना, अब इसका स्क्वायर का पैरामीटर हुआ 4x, तो 22 × 4 दैट इज 88, और इसका पैरामीटर कितना होगा 88, मतलब कि 2πr इसका सर्कमफेरेंस होता है या पैरामीटर होता है और वो 88 होगा इसके बराबर, और एरिया इसका एरिया क्या होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर, अब हमें इससे पाई आर स्क्वायर निकालना है, तो कितना होगा पाई आर स्क्वायर 2 × 22/7
into R, that is 88. अब इसको मैं ऐसे कर सकता हूं 2πr सेवायर और इसका हुआ 88 2πr के बराबर. तो यहां पे आप बोल सकते हैं कि r is equal to 14. अब r हमारे पास आ गया, πr स्क्वायर कैसे निकालेंगे? πr स्क्वायर निकालने के लिए 22/7 into r square, 14 into 14. अब आ गया 22 into 28, और 22 into 28 इसकी मल्टीप्लीकेशन कितनी होगी? अगर मैं इसको 11 और 28 के करूं तो 11 into 8 88 308, और क्योंकि मैंने इसका फैक्टर बना दिया तो 2 से और कर सकता हूं मैं, तो 616 ये इसका आंसर आएगा. अब ये बच्चा जहां मैं समझता हूं ऐसे समझने की कोशिश कर रहा है, और ये जो दुनिया समझाने की कोशिश कर रही है वो भी ऐसे ही समझाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि आजकल फ्री वीडियो का कॉन्सेप्ट बड़ा चला हुआ है और वो इस तरह के कॉन्सेप्ट चले हुए हैं. और मैं ये बोल रहा हूं कि ऐसे समझने से आप अपने करियर के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, क्योंकि अगर अब होगा क्या, देखिए यहां पर भी मुझे कितनी दिक्कत आई है लिखने में, जगह नहीं मिल रही थी मुझे एग्जाम में. अगर आपको जगह नहीं मिलेगी लिखने के लिए, और ये क्वेश्चन का लेवल इतना ज्यादा नहीं है कि आपको इतनी जगह के लिए इतना टाइम की जरूरत ले इस क्वेश्चन में, क्योंकि कुछ क्वेश्चन होंगे वो आप सिर्फ देखते ही उसको कर दोगे, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो 5-7 सेकंड लगेंगे, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कि 15-20 सेकंड लगेंगे, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो 1 मिनट लगेगा, और कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे 5-7 क्वेश्चन जो आपको 3-4-5 मिनट ले लेंगे. तो हर तरह का एक मिक्स होता है क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन का जो लेवल है ज्यादा से ज्यादा 15-20 सेकंड से ज्यादा नहीं होना चाहिए. पर अगर आपने लिखने की कोशिश की ऐसे सारा पूरा, और ऐसे समझने की कोशिश की, ऐसे ही आपने एग्जाम में इस पैटर्न को फॉलो किया, तो ऑब्वियसली इसका सिलेक्शन नहीं हो सकता. इसके लिए आपको क्या करना है, ट्रिक क्या सीखनी है कि जो एरिया ऑफ स्केल होता है, अब मैं इसको दोबारा समझाने की कोशिश करता हूं ट्रिक के माध्यम से, जो मैंने टायर 2 की टेस्ट सीरीज में समझाया, आप वो भी देख सकते हैं. इसको जो मैंने समझाया वो ये कि स्क्वायर एरिया होता है स्क्वायर का वो, और रेशियो होता है सर्कल का वो हमेशा 11 और 14 के रेशियो में होता है. इसका होगा अगर ये 11 है तो ये 14 होगा, ये अगर 11 है तो ये 14 होगा, और ये 48 है तो कितना होगा, 48 × 14/11 616. मैंने ऐसे समझा, देखो कितना फर्क हुआ, इसको करने में कितना सेकंड लगा होगा, मेरे ख्याल में 5-10-20 या ज्यादा से ज्यादा आप बोल सकते हैं कि 20-25 सेकंड के आसपास लगा होगा, और इसको समझाने में पूरा काफी समय लगा होगा. और ये बहुत नॉर्मल चीज है, अगर आपका लेवल थोड़ा सा भी तो नॉर्मल चीज है. आप इसकी दूसरी ट्रिक भी बताई थी मैंने कि अगर आप इसको समझते हैं तो एरिया ऑफ सर्कल और एरिया ऑफ उसका रिलेशनशिप होता है, एरिया ऑफ सर्कल होगा 4 × एरिया ऑफ स्क्वायर डिवाइड बाई पाई. ये फॉर्मूला होता है, और ये फॉर्मूला आपको याद रखना है. तो ये 616 आ हुआ. दो ट्रिक मैंने इसके लिए बताई, अब दोनों ट्रिक में काफी कम समय लग रहा है. ये ट्रिक आपको, ये यूनिवर्सल है, हर क्वेश्चन में एप्लीकेबल है, जहां पे भी है स्क्वायर और सर्कल से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, हर क्वेश्चन में एप्लीकेबल. और ये बात मैंने जो कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जो वीडियो है उसमें फॉर्मूले समझाया, प्रॉपर्टी समझाई, तो उसमें यह समझाया गया कि यह प्रॉपर्टी ऐसे होगी. तो यहां पे उस बच्चे की मानसिकता क्या दर्शा रही है कि वो कॉम्पिटिशन की तरफ नहीं जाता, वो सिर्फ मैथ सीखने के. अब इससे समझ में आ गया होगा उसका पक्का, लेकिन इससे होगा क्या, वो सेम फॉलो करेगा, फॉर्मूला लिखेगा पहले. बच्चे क्या करते हैं ज्यादातर कि लेट एक्स, अब ये एग्जाम में भी ऐसी भाषा लिखते हैं, लेट एक्स देन एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, ऐसे लिखने की कोशिश. ये नहीं सीधा कर लो, ये नहीं कर रहे हो कि सीधा भाई पाई के बजाय तू सीधा लिख दे 22/7, आर की जगह जितना भी है इसकी वैल्यू वो लिखो फटाफट, ठीक है. तो ये जो 2πr है या पाई आर स्क्वायर है, ये तो मेंटल कैलकुलेशन, मेंटल दिमाग में होता है, लिखने की जरूरत नहीं है इसमें. सेम स्टोरी है वो आपको
अगर आपको पूरा मैथ भी आ रहा होगा तो आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता। वो इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि आप हजार में से सौ में हैं जिनको सब मैथ आ रहा है, सौ में से एक में नहीं, और एक में के लिए स्पेशल होना बहुत जरूरी है। तो सिलेक्शन के लिए ऑनलाइन लेवल पर इतने कॉम्पिटिशन में आप इस अप्रोच को समझिए, वरना पहले ही बार होंगे। मैं मानता हूं कि बहुत सारे आपको कोचिंग सेंटर सस्ती कोचिंग दे रहे होंगे, कोई 3,000 में एडमिशन, कोई 4,000 में, कोई वीडियो फ्री प्रोवाइड, यूट्यूब, ये बहुत सारे चल रहे हैं। लेकिन अब जिसको इतना कोई ग्रेट होगा जो आपको ट्रिक्स वगैरह समझाएगा, वो आपको कभी भी फ्री नहीं समझाएगा, गारंटी है मेरी। वो बेल्ला नहीं होगा, कम से कम वो हाईली, वो बहुत ज्यादा उसके पास टाइम की शॉर्टेज होगी। और ये जो लोग होते हैं ना, ये सस्ते प्रोग्राम, ये एक बेल्ले जो खाली लोग है उनका प्रोग्राम, ये हकीकत मान लिया। क्या आप बहुत टॉप कर रहे हैं ऑल इंडिया लेवल पे, या बहुत अच्छा मैथ है, और आप क्या फ्री नौकरी करेंगे? जब क्या इनकम टैक्स भरने के बाद कोई सैलरी नहीं लेंगे? पहली बात तो लगेगी नहीं अगर आपकी अप्रोच नहीं होगी। तो हर चीज के लिए, हाई क्वालिटी के लिए आपको पे भी करना पड़ता है, और हाई क्वालिटी लिखने कर सीखने के लिए आपको बहुत ज्यादा मेहनत भी करनी पड़ेगी। सीखने के लिए आपको एक एक चीज दिन रात आपको मेहनत करनी पड़ेगी, कमर तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी। सिर्फ सिंपल या एवरेज लोग है इस दुनिया में सक्सेसफुल नहीं है, आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना पड़ेगा। और ये अबो एवरेज बंदे जरूर बन सकते हैं, क्योंकि उनको वो अप्रोच का डेवलप करना है। उनको ये सोचना है कि मैं अगर मैं टाइम वेस्ट करूंगा हर चीज में लिख लिख कर, तो वो कहां कहां मैं रिड्यूस कर सकता हूं टाइम। टाइम रिडक्शन है वो आपकी मेन स्ट्रेटजी। तो दूसरा मेरा पॉइंट है, पहला जो मेरी टिप्स है इस प्रेजेंटेशन में, 5 टिप्स बता रहा हूं कि जो आपको वो 1 में लाने की कोशिश करेगी। कहां से? 1000 में, 100 से उठाएगी आपको और 1 की तरफ पहुंचाएगी। और पूरी मेहनत की तो 1 की तरफ जरूर आएंगे। एक तो आपको स्कूल और कंपटीशन के मैथ में डिफरेंस क्रिएट करना पड़ेगा। जिस ढंग से हम स्कूल में पढ़ते थे, स्कूल में लिखने वाला मैथ होता था, टीचर को भी जो समझ में आए दूसरों को समझाने के लिए। यहां पे आपको किसी को समझाना नहीं है, आपको एक्शन लेना है कि आप 4 जो आपके पास ऑप्शन दिए हैं उसमें से टिक कितना जल्दी मार सकते हैं और राइट पे मार सकते हैं, ये फैसला आपको करना है। तो इसका मतलब स्कूल और कॉम्पिटिशन के एग्जाम में डिफरेंस समझिए और दिमाग में बिठाइए कि बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। अब जो आपने वहां पे स्टेप सीखे थे, अब ये देखिए वहां पे कि कैसे कैसे आप स्टेप को रिड्यूस करोगे। अगर वहां पे 10 स्टेप में कोई क्वेश्चन कर रहे थे, तो यहां पे 1 या 2 स्टेप में आपको करना है। जितने कम स्टेप उतना ही ज्यादा आपको फायदा। और वहां पे क्या था कि जितने ज्यादा स्टेप बढ़ाओगे टीचर इंप्रेस होगा, ज्यादा पेज भरे जाएंगे और टीचर को बेटर समझ में आएगा और आपका भी खाली खाली नजर नहीं आएगा। वो नंबर ऑफ पेजेस, मोर नंबर, मोर मार्क्स, यहां पे उल्टा है इसके। तो उस अप्रोच को आप जितना जल्दी पकड़ोगे उतना ही ठीक होगा। फिर टाइम यूटिलाइजेशन वर्सेस टाइम वेस्टेज। अब मैंने एक क्वेश्चन से समझाया था, उसको आप जरूर आपने देखा होगा कि कैसे बच्चे की पाई आर स्क्वायर लिख रहे हैं, 2 पाई आर लिख रहे हैं, फिर इसमें वैल्यू पुट कर रहे हैं, डायग्राम बना रहे हैं जहां पे हो सकता है जरूरत नहीं हो, ठीक है, फिर ये सर्कल का डायग्राम बना रहे हैं, फिर गलत बन गया उसको दोबारा काट कर ठीक कर रहे हैं डायग्राम, फिर भी गलत हो गया, फिर एक बार और बना रहे हैं डायग्राम। और आपको एक क्वेश्चन ये देखना पड़ेगा आपको कि क्या ये टाइम वेस्टेज नहीं था इन सबको लिखना? ये टाइम वेस्टेज था, इसकी कहीं पे भी जरूरत नहीं थी, क्योंकि आपको तो आंसर निकालना है और आंसर कैसे फास्ट निकालना है वही तो चीज सीखनी है। आपको मैथ नहीं सीखना, क्योंकि मैथ तो ये अज्यूम किया जाता है कि आपको आ रहा होगा, उतना लेवल अज्यूम किया जाता है कि आप अगर SSC CGL या IAS के बाद जो दूसरा बड़ा सबसे बड़ा एग्जाम है उसमें आप 100 में हैं, और 100 में पहले 100 में आइए फिर उसके बाद बात होगी। तो 100 में से 1 में आने के लिए जो तगड़ा कॉम्पिटिशन है उसमें आपको एक एक स्टेप पे ध्यान देना पड़ेगा कि मैं कहां का मैं अपना टाइम रिड्यूस करूं। हम चलते हैं एक क्वेश्चन और लेते हैं, और वो टाइम रिडक्शन से रिलेटेड वहां पे भी एक लागू हो गया बात लगभग। ये क्वेश्चन देखिए, ए वेल 2 मीटर इन रेडियस हैज बीन डग 5 मीटर डीप एंड द अर्थ टेकन आउट वाज स्प्रेड टू मेक एन एम्बार्कमेंट 1 मीटर वाइड राउंड द वेल, व्हाट इज द हाइट ऑफ द एम्बार्कमेंट। और ये भी देखिए मैंने वहां पे उसको कैसे निकाला होगा, क्वेश्चन नंबर 33 है वहां पे उस टेस्ट में। इसका मतलब मैंने कोई डायग्राम नहीं बनाया वहां पे, मैंने क्या जो किया कि ये जो डायग्राम वगैरह ये लोग दिमाग में अपने आप बिठाएंगे,
क्योंकि वो टायर टू का मैथमेटिक्स एक्सप्लेनेशन है यहाँ पे, और 2 मीटर रेडियस है, इसका मतलब 5 मीटर उसका डीप है, सिलेंडर बना ये, और सिलेंडर का वॉल्यूम होगा वो था पाई आर स्क्वायर, तो सीधा मैंने लिखा होगा 22/7 आर स्क्वायर, आर है 2 मीटर आर स्क्वायर, और एच है इसमें 5। अब इससे मिट्टी निकाली है, मिट्टी निकाली है और क्या किया है, उसके चारों तरफ बिछाई गई है, उसमें बिछाने के बाद क्या हुआ फिर, इसका मतलब 22/7 पाई आर स्क्वायर, वहां पे एक रिंग बना है जिसकी हाइट भी है आर स्क्वायर, आर कितना हो गया 3 हो गया, और इसमें 3 × 3, और एच है वो हमें निकालना है हाइट का, और फिर 22/7, और जो इनर सर्कल होगा वो 2 सेंटीमीटर जो दिया हुआ है, ये रेडियस है और हाइट है उसके, इसमें बराबर होगी, ठीक है। तो आप देखिए इसमें कॉमन लिया, आप यह बोल सकते हैं ये इसको काट देंगे, दोनों में कॉमन लेंगे तो ये काट देंगे, आप दिमाग में इमेजिनेशन कीजिए कि कॉमन लेकर हम पहले काट रहे हैं उसको, तो यहां पे कितना हुआ 20 और यहां पे कितना हुआ 6 × 3 9H और 2 18H, सॉरी ये तो इसके साथ है भाई जो कट चुका है, 9H - 4H और आप 5H कर सकते हैं और 5 से यहीं पे काट सकते हैं। तो देखिए मैंने फॉर्मूला भी यूज किया यहां पे, ऐसा नहीं है फॉर्मूला यूज नहीं किया, लेकिन सिर्फ एक और अननेसेसरी चीजें लिखी नहीं, वरना स्टूडेंट क्या करेगा पहले कि पाई आर स्क्वायर एच डायग्राम बनेगा पहले, तो सुंदर डायग्राम जो सुंदर नहीं बनेगा, जिसकी हैंडराइटिंग मेरे जैसी होगी तो एक दोबारा वो डिलीट मारेगा, ठीक है। उसके बाद वो यहां पे लिखेगा 5, इसके बाद यहां पे लिखेगा 2, उसके बाद फिर देखेगा कि इसकी मिट्टी निकाली, और फिर वो ऐसे सर्कल बनाएगा कि इसके दोनों इसके ऊपर वो मिट्टी बिछा रहे हैं, ठीक है। तो वो मिट्टी नहीं बिछा रहा, उसकी जो मिट्टी उसकी खुद की बिछ गई है यहां पे, क्योंकि वो अननेसेसरी डायग्राम बना रहा है, इसकी जरूरत नहीं थी। क्यों जरूरत नहीं है, क्योंकि ये अज्यूम किया जाता है कि वो एक इतने लेवल पहले प्रैक्टिस कर ले कि एग्जाम में जब टायर टू का एग्जाम हो तो वो डायग्राम में ना फंसे ज्यादा, जब बहुत ज्यादा जरूरत हो तब बनाए, या मुश्किल क्वेश्चन हो, ये कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। दूसरी बात कि जब वो पहले प्रैक्टिस की है उसने अच्छे लेवल की, कुल मिलाकर अच्छी प्रैक्टिस की होगी, तो ये क्वेश्चन की वैरायटी जरूर आई होगी, अगर ये सेम क्वेश्चन नहीं आया है उसके सामने तो इसकी वैरायटी जरूर आई होगी। और एसएससी या कोई भी कॉम्पिटिशन एग्जाम है वो क्वेश्चन तो सेम पूछते हैं, थोड़ा स्टेटमेंट चेंज हो सकता है, जैसे यहाँ 2 की बजाय यहाँ पे 3 हो सकता है, 5 की बजाय 6 हो सकता है, तो ऐसे मिलेगा आपको, आमतौर पर बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं होते। इसका मतलब पहले ऑलरेडी उसके दिमाग में सब कुछ सेट है, यहाँ पे तो जो एग्जाम है वो एक्सपेरिमेंट का जगह नहीं है, वो सिर्फ इंप्लीमेंटेशन की जगह है। यहां पर एग्जाम में आप रिसर्च नहीं कर सकते, एग्जाम में आप मैथ नहीं सीख सकते, बाकी चीजें नहीं कर सकते, एग्जाम में आप एक्शन लेंगे सिर्फ। तो ये जो मैसेज हुआ है यहां पे, क्या कि ये पाई आर स्क्वायर लिखना, फिर ये पाई आर स्क्वायर स्क्वायर लिखना, फिर इस तरह से करना कि पाई आर स्क्वायर एच इन दोनों का डिफरेंस होगा, इन दोनों का डिफरेंस होगा तो इसके बराबर होगा, और उसके बाद डायग्राम बनेंगे सुंदर सुंदर, फिर अगर डायग्राम सुंदर नहीं बनेंगे दो बार मिटाए जाएंगे, तो ये एग्जाम में सब कुछ आपका मिट जाएगा। एग्जाम में आप सीधा स्ट्रेटजी अपना सकते हैं। अब देखो काटने का जहां तक सवाल है, या मैंने यही काटने की कोशिश की सब कुछ, और यहीं पे कोई दोबारा लिखने की कोशिश नहीं की है, इसका मतलब यह हुआ कि जब आप लिख रहे हैं तो वो भी एक टाइम वेस्टेज है। वो क्यों लिख रहे हैं अननेसेसरी, ये आपके सामने चैलेंज है, आपको अननेसेसरी चीजें हटानी होगी। और आप देख सकते हैं मैंने कोई अलग से कोई चीज नहीं करने की कोशिश की, जो आप कर रहे थे वही करी किया मैंने, लेकिन मैंने ये डायग्राम नहीं बनाया, ये नहीं बनाया, फालतू की चीजें नहीं लिखी, ये सबको रिड्यूस किया, सबको रिड्यूस किया, तो आपने यहां पे लगभग 60-70% टाइम है वो बचाया, और सिर्फ उसी तरीके करने से, और कोई तरीका नहीं हो सकता इसमें सेम तरीका, लेकिन यहां पर सिर्फ स्मार्टनेस इस्तेमाल किया और 60-70% टाइम बचाया इस क्वेश्चन के माध्यम से। जो मैंने अगली टिप्स बताई है, अगली टिप कि टाइम यूटिलाइजेशन वर्सेस टाइम वेस्टेज, ये आपको जब आप खुद कर रहे हो प्रैक्टिस उसमें देखना पड़ेगा, और आपके दिमाग में 24 घंटे ये चलना चाहिए कि मैं टाइम वेस्टेज वाली चीजें वो कैसे कैसे कम करूं। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज में से एक हो सकता है। अगर आपको उतना ही मैथ आ रहा है तो उसमें आपने एक में अगर 80 नंबर लिया तो दूसरे में आप 90 ले लोगे। और एक चीज और मैं बताता हूं, 80 नंबर लेने वाले 1000 में से आपको 100 मिलेंगे,
और आप खुश होंगे कि मुझे मैथ तो जी काफी आता है, मैथ में कोई इशू नहीं है, लेकिन आप प्रॉब्लम क्या है कि आप 100 से 1 में आने की सोच ही नहीं रहे। प्रॉब्लम काफी है इसमें कि आपको मैथ आता है, ये प्रॉब्लम आपकी, और कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आप 1000 में से 100 आ गए, अब यहीं पे रुक गए हो। 100 में से 1 में आने के लिए जो एक्स्ट्रा एफर्ट मारना पड़ रहा है, फिर 80 to 90 या 95 तक पहुंचाना है, उसके लिए जो स्पेशल, उतने ही मैथ से काम चल सकता था, लेकिन आपको और आइडियाज, ट्रिक्स, टेक्निक, स्मार्टनेस, ये जो टाइम वेस्टेज की टेक्निक कैसे रिड्यूस किया जाए, वो सारी चीज सीखनी थी, वो आपने बंद कर दी है सीखनी। क्यों बंद कर दी है? क्योंकि आपको मैथ आता है, आपकी यही प्रॉब्लम है कि आपको मैथ आता है। जब तक कि आप इस दिमाग को नहीं निकालोगे, इस दिमाग से नहीं निकालोगे कि मुझे मैथ में आता नहीं है, बल्कि मुझे नंबर 1 कैसे बन रहा है, क्योंकि जो तो उसकी लग रही है, मेरी थोड़ी लग रही है, उसको मैं कैसे पकड़ू नंबर 1 बनने के लिए, और मैं 100% की तरफ कैसे जाऊं। जब तक वो सोच नहीं होगी तो आपको जो मैथ आता है, ये बीमारी है, ये सबसे बड़ी बीमारी, ये कैंसर है, ये उड़ा देगी, खत्म कर देगी आपको, जब तक आप इसको समझोगे नहीं। फिर है तीसरा, आइडेंटिफाई विच क्वेश्चन कैन टेक हाउ मच टाइम। अब जैसे मैंने कुछ अभी आपके सामने 2-3 क्वेश्चन किए, कुछ क्वेश्चन बहुत हो सकता है कम टाइम लगाओ, लेकिन ऐसा नहीं है हर क्वेश्चन में कम टाइम लगेगा, लेकिन ये जैसे आप क्वेश्चन को देखें आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि मैं इस क्वेश्चन को अगर पहले 20 मिनट में कर रहा था, अब 10 मिनट में कैसे करूं, या पहले 40 मिनट में कर रहा था, अब 20 सेकंड में कर रहा था, 10 सेकंड में कैसे करूं, 40 सेकंड में कर रहा था, 5 सेकंड में कैसे करूं, या 10 सेकंड में, या 20 सेकंड में कैसे करूं। टाइम को रिड्यूस करना और हर क्वेश्चन का एक जजमेंट लगा लेना कि इस तरह की वैरायटी का ये टाइम लगेगा, इस तरह की वैरायटी का ये टाइम लगेगा, तो आप पाएंगे कि अगर 100 क्वेश्चन आ रहे हैं, मान लो मैथ के टायर 2 की बात करें या टायर 1 की बात करें, 50 क्वेश्चन, तो आपके 10 क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जो 10 सेकंड से कम टाइम में हो जाएंगे, फिर 10 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो 10 से 20 सेकंड लेंगे, और फिर 20 क्वेश्चन से लेकर 20 क्वेश्चन ऐसे होंगे, अगर मैं इसके 100 की बात करूं, जो आपको 30 सेकंड तक लेंगे, ऐसे ऐसे करके आपको 10 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कि 3-4 मिनट में भी हो सकता है आपका टाइम ले ले। उसमें से आपको कोई लेना है कि अगर कोई क्वेश्चन है 4 मिनट में हो रहा है, 3 मिनट में हो रहा है, और आपने बहुत जल्दी कर लिया बाकी क्वेश्चन, तो वो कितने क्वेश्चन वो कर सकता है, हो सकता है मान लो 95 तक उसकी स्वीट टिक गई है, अब उसकी सिली मिस्टेक उसने कितनी नहीं की उसके ऊपर भी होगा, और वो कब होता है, जब आप पहले ही ध्यान दें कि सिली मिस्टेक है, एक भी नहीं करनी, आपके दिमाग में ये पहले से ही सेट जाना चाहिए। आमतौर पर जो स्टूडेंट होते हैं टायर 2 के, उनकी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, वो बोलते हैं कि मुझे मैथ्स में सारे आते थे, या 4-5 नहीं आते होंगे, लेकिन मेरा आया स्कोर 160, क्यों, बस 7-8 तो सिली मिस्टेक होगी जी, ये सिली मिस्टेक क्यों हुई, उसके ऊपर उसने क्या एक्शन लिया है, सिर्फ ध्यान देने की जरूरत है, मेंटल अलर्टनेस की जरूरत है, और सोचिए कि आप वो सिली मिस्टेक का जो गुणगान या अपना वो झुंझोरा पीट रहा था, उसकी वजह से 8 × 2 16 नंबर है उसका फर्क पड़ा, और 16 नंबर तो बहुत ज्यादा होते हैं, जब एक नंबर की वजह से दुनिया आगे पीछे हो रही है, 16 नंबर तो बहुत है। तो एक तो अगर आप ये दिमाग में बैठ जाएगी किस क्वेश्चन में कितना टाइम लगेगा, अगर किसी क्वेश्चन में ज्यादा टाइम लग रहा है और ज्यादा टाइम वाला है, तो आप उस पर हड़बड़ी मचाएंगे, तो आपकी सिली मिस्टेक होगी। तो आइडेंटिफिकेशन है क्वेश्चन की, वो बहुत ज्यादा जरूरी है, और यकीन मानिए कुछ क्वेश्चन में लगेगा टाइम, कुछ क्वेश्चन में बिल्कुल नहीं लगेगा, इसका आपको एक दिमाग में कंप्यूटर की तरह फीड होना चाहिए और उस पर एक्शन हो जाना चाहिए, और जो सिली मिस्टेक का जो है उसको कैसे कम करें, वो भी कभी स्पेशल प्रेजेंटेशन में हम देखेंगे रिसर्च करके कि कैसे कैसे तरीके हो सकते हैं सिली मिस्टेक कम करने के। लेकिन ऑब्वियसली जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ध्यान रखना मेंटल अलर्टनेस, और जब सारी चीज आपके अनुसार चल रही है तो ऑब्वियसली कम होगी आपकी, और वही सिलेक्शन का कारण बनेगी, क्योंकि मैथ तो सबको आ रहा है। चौथा जो कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं, जो टिप्स मैंने 5 टिप्स देने की कोशिश की है इसमें, कि जैसे कि आपका स्कोर है 1000 में से वो एक बच्चे का सिलेक्शन उसकी तरफ कैसे ले जाना है। लर्न टू स्किप क्वेश्चन, और यह भी एक इंपॉर्टेंट बात होगी, अब 100 क्वेश्चन आ रहे हैं तो उसमें से 2-4 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको आएंगे नहीं, और ये सबके साथ हो सकता है, किसी के साथ हो सकता है 1-2 हो, लेकिन अगर मान लो बच्चों को 1-2 क्वेश्चन नहीं आएंगे क्या, और एक बंदे को नहीं आ रहे 10 क्वेश्चन, किसकी सिलेक्शन संभावना ज्यादा है? आप ये बिल्कुल नहीं बोल सकते जिसको 1-2 नहीं आ रहे उसकी संभावना ज्यादा है, मैं ये बोल रहा हूं इसकी भी संभावना ज्यादा हो सकती है। क्यों? क्योंकि उसके पास बेटर माइंडसेट है क्वेश्चन को स्किप करने का, और इस बच्चे को आप कर नहीं रहे थे 1-2, लेकिन हुआ क्या इससे क्वेश्चन 70 अटेम्प्ट हुए, क्योंकि वो 1-2 क्वेश्चन
टाइम ज्यादा लगा दिया, वो इतना ज्यादा लगा दिया कि हड़बड़ा गया या उससे आगे बढ़ा ही नहीं गया, वही उसकी नैया है वो जुड़ गई। आमतौर पे जब आप टायर टू में जाते हैं तो तैयारी आपकी ठीक ठाक होती है, काफी अच्छी होती है, और 100 में से 100 बच्चे होंगे उसमें से आपका आपको लग रहा है कि आ जाएगा। जो डिफरेंस यहां पे क्रिएट करना है, क्योंकि सब मैथ तो लगभग सभी को बराबर से ही आ रहा है इस केस में, लेकिन जो स्ट्रेटजी है, ट्रिक्स है, टेक्निक है, वो सबकी बराबर नहीं, वो ही डिफरेंस क्रिएट कर रही है। तो उस केस में एक जो स्किप करने की टेक्निक है, लर्न करने की, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। हो सकता है आपकी ये टेक्निक में ये मेन हो कि जिस क्वेश्चन में मुझे लगे कि एक मिनट से ज्यादा टाइम लगेगा मैं उसको स्किप करूंगा पहले, ताकि मैं सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दूं। क्योंकि ये बच्चा था, वो क्या किया उसने कि उसने वो क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाया जो बहुत आसान थे, आखिर तक पहुंचा ही नहीं, जबकि सिर्फ उसको एक दो क्वेश्चन नहीं आ रहे थे, इसको क्वेश्चन 10 नहीं आ रहे थे, लेकिन इसने क्या किया जो आ रहे थे सारे कर दिए, तो ऑब्वियसली इसका स्कोर तो ज्यादा आएगा। इसका मतलब सिर्फ मैथ आना तो मुद्दा ही नहीं था, और ये हकीकत है कि 1000 में से 100 आने के लिए मैथ आना जरूरी हो सकता है, लेकिन 100 में से 1 में आने के लिए जरूरी नहीं है, बाकी चीजें चाहिए उसके लिए, क्योंकि वो तो जुम किया जाता है कि आपको आ रहा है, तो बाकी चीजों में क्या होगा कि लर्न टू स्किप द क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ये आप जो लालच है कि सारे क्वेश्चन करूंगा, जिद करना अपने आप को, ईगो पे ले लेना क्वेश्चन के साथ में टकराव, ये डेंजरस है, आप छोड़िए। जैसे कि क्रिकेट में होता है कि आपकी कोई ऐसी बॉल आ रही है जो विकेट ले सकती है, अगर आप उसको नहीं छोड़ेंगे तो आउट हो सकते हैं, तो छोड़िए इसको, ये बहुत ज्यादा जरूरी होगा। और अपनी स्ट्रेटजी फिक्स कर सकते हैं, एक मिनट से ज्यादा लग रहा है तो मैं उसको छोड़ूंगा, या 2 मिनट से लग रहा है तो ही उसको छोड़ूंगा, ठीक है, तो इससे आपका स्कोर की संभावना बढ़ेगी। फिर आता है, और एक चीज और मैं बताता हूं, इससे जो सिली मिस्टेक हो रही थी वो भी कम होने की संभावना होगी, वरना आप क्या बोलेंगे कि जी मुझे टाइमली इश्यू नहीं है, 2 घंटे से मैं पहले कर देता हूं पेपर, मैं 2 घंटे से पहले कर देता हूं, लेकिन मैं उसको बोलूंगा कि वो कर तो दे रहा है पहले, लेकिन उसकी सिली मिस्टेक वाला जो मुद्दा है ना, उसका बहुत हावी हो सकता है, और ये हकीकत भी होती है, आमतौर पर ऐसे बच्चों का हावी भी होता है। तो ये अपने आपको यहां पर भी देखने की जरूरत है, स्किप वाले भी कहां उसकी जो सिली मिस्टेक रिड्यूस करने में हेल्प कितनी कर रही है। अब चलते हैं लर्न एंड डेवलप ट्रिक्स ऑफ योर ओन। एक चीज मैं बताता हूं कि आप किसी की अन्य ट्रिक को देख सकते हैं, जैसे मैं आपको बहुत सारी ट्रिक यहां पर समझाने की कोशिश की है मैंने इस ट्रिक में सीरीज में, फिर जो बेसिक वीडियो उसमें भी कॉन्सेप्ट डेवलप करवाए हैं, ट्रिक समझाने की कोशिश की है, तो आप बहुत सारी ट्रिक्स है, आप हो सकता है मेरी फॉलो करें, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आप अपनी ट्रिक्स जरूर डेवलप कीजिए, अपना माइंडसेट, अपनी जो स्टाइल है वो जरूर डेवलप कीजिए, क्योंकि एग्जाम में आप दूसरों की ट्रिक याद करके काम नहीं चलेगा, वो आपको हेल्प कर सकते हैं, लेकिन और एक चीज बता रहा हूं, अगर आपको मैथ आना स्टार्ट हो गया है तो आप जरूर इस पर सोचिए कि मैं इसको कम करने के क्या क्या तरीके ढूंढ सकता हूं, आपको अपने आप तरीका मिलेगी। जब आपके पास रास्ता आप अपने आप खुद बंद करोगे मुझे करना ही है इस पर कुछ वर्क, तो 100% ट्रिक डेवलप होगी, और आप अपना स्टाइल डेवलप करोगे, और उस स्टाइल को नोट कीजिए और उसको बार बार कीजिए, एक ऐसी चीज आएगी जो आप उसको बहुत ही पेनापन और शार्पनेस ले आओगे। तो इसका मतलब मैंने क्या बताया यहां पे कि आप अपने हिसाब से सोचिए, ट्रिक डेवलप कीजिए, उसको नोट कीजिए, उसका बार बार रिविजन कीजिए, और जब बार बार रिविजन करेंगे तो वो कंप्यूटर में फीड हो जाएगा, आपके दिमाग में फीड हो जाएगा, सीपीयू में फीड हो जाएगा, और इससे एक बेटर रिजल्ट आने की संभावना होगी। अगर आपने ये फॉलो नहीं किया तो क्या होगा कि आप मैथ में एग्जाम में क्वेश्चन निकाल रहे हैं, वहां पे निकालना नहीं, वहां तो निकाल बहुत सारे क्वेश्चन तो पहले माइंड में फिट है, वहां पे अप्लाई करना है, तो वो अप्लाई वाली चीज है वो आनी चाहिए, वो तभी आएगी जब आपके बहुत सारी चीजें आपको ऐसे फिट की होगी माइंड में, और इससे सिली मिस्टेक होने की संभावना वो भी कम हो जाएगी। तो जो हमने 2 क्वेश्चन तो ये कर दिए थे, अब 3rd क्वेश्चन की चलते हैं, और मैंने जो 5 टिप्स बताई आप उसको फॉलो कर सकते हैं, अगर आप 1000 में से 1 की तरफ बढ़ रहे हैं, ये आपके 5-7 टिप्स हैं, वो आप इसमें रामबाण साबित होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, देयर वर 40 स्टूडेंट्स इन ए हॉस्टल, इफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट इंक्रीज बाय 8, एक्सपेंसिज ऑफ द मेस इंक्रीज बाय 48 पर डे, व्हाइल द एवरेज एक्सपेंडिचर पर हेड diminishes by ₹2, find the original expenditure of the mess। अब जब इस तरह क्वेश्चन आते हैं आपने जरूर पहले किए होंगे, तभी आप उसमें फ्लिमसी ला सकते हो, वरना एग्जाम में नया क्वेश्चन आता है, कोई नई वैरायटी क्वेश्चन, उसके साथ छेड़खानी करना बहुत ज्यादा खतरे से खाली नहीं होगा, और ऐसे जो नए वैरायटी आएंगे उसे
ज्यादा ज्यादा 4-5 होंगे, तो इसका 95% तो आपके जो किए पैटर्न पे ही आने हैं उस पर तगड़ी कमाई होनी चाहिए। तो इसकी क्या वैरायटी हो सकती है 40 स्टूडेंट इन ए हॉस्टल। अब ऑप्शन में देखिए, मैंने ये बताया उसमें ऑप्शन में देखिए कि 40 से कौन सा डिवाइड होगा, क्योंकि कहीं पे भी वहां फ्रैक्शन में नहीं है, तो 40 जितनी होगा 40 से डिवाइड, ये होगा डिवाइड, ये नहीं होगा और ये नहीं होगा डिवाइड। तो इसका मतलब आंसर इज बी। वरना आप इसको ऐसे भी कर सकते थे कि जो पहले एक्सपेंडिचर था वो उसमें 40 स्टूडेंट थे, अब जो नए बच्चे आए कितने 8 आ गए, इसका मतलब सॉरी 48 एक्सपेंडिचर बढ़ा, 48 एक्सपेंडिचर बच्चे 40 के बजाय 48 हो गए, एक्सपेंडिचर 48 बढ़ा, और उसकी वजह से एक्सपेंडिचर डिवाइडेड बाय टोटल स्टूडेंट कितना हुआ पर हेड एक्सपेंडिचर, जो कि 2 का डिफरेंस है, 2। तो आपके दिमाग में ये पहले फिट हो, या तो पहले ये टेक्निक हो आपके पास, अगर ये टेक्निक नहीं इस्तेमाल हो रही, दो ऑप्शन आ जाते हैं तो आप ये कर सकते हो। अब इसमें देखिए इसका मतलब ये क्या इंडिकेट कर रहा है, ये इंडिकेट ये कर रहा है कि जो पहले एक्सपेंडिचर था वो 40 से डिवाइड जरूर होगा। देखो यहां से पता चल रहा है आपको सब, इसका मतलब देखिए क्या हो सकता है। अब फिर भी दो ऑप्शन, तो आप ये देखिए कि ये कोई यहां पे जो यहां से ऑप्शन में दो थे वो बारी बारी आप टिक कर सकते हैं, वरना इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी और टाइम ज्यादा लगेगा। जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बने तो उस तरह के केस में आपको ऑप्शन टेक्निक का सहारा लेना बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो आप जब इसमें रखेंगे और जब दो का डिफरेंस आएगा तो आप बहुत ज्यादा इजिली पहचान लेंगे इसको कि कौन सा आंसर होगा। तो इसका मतलब मैंने दो ट्रिक बताई है यहां पे, एक कि आप इसको सीधा दिमाग में फिट बैठिए इस तरह की वैरायटी पे, दूसरा कि जब ये बात नहीं बन रही तो आपको सोल्व करने की जरूरत नहीं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मत बनाइए क्योंकि लंबा खींचेगा वो। तो दूसरे केस में आप वो वैल्यू है जो दो आपको में से दिक्कत आ रही थी सिलेक्ट करने में, तो वो रखिए, दोनों का डिफरेंस 2 आ जाना चाहिए जब आप उसको डिवाइड करेंगे, कंपैरेटिवली आपको टाइम बचेगा। अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ऑन एन आर्टिकल द मैन्युफैक्चरर गेन 10%, होलसेल डीलर 15%, मैन्युफैक्चरर को मिलता है 10%, होलसेलर को मिलता है 15%, रिटेलर को मिलता है 25%, और रिटेल प्राइस है 1265। तो व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ इट्स प्रोडक्शन, इसका मतलब कि रिटेल प्राइस हमेशा ज्यादा होगा सबसे। तो आप जो उल्टा करेंगे और इंक्रीज होता है, गेन होता है, कोई चीज इंक्रीज की जाती है, तो वो सबके नीचे लिखेंगे 10, 115, 125 और ऊपर लिख देंगे आप 100 × 100। ये आपको पूरा एक्सप्लेन करने की आवश्यकता, ये सीधा लिख सकते हैं जैसे थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि वो स्टेप लिखिए जो उनकी जरूरत हो, अगर यहां पर कोई चीज अगर आपको कम करें तो भी वो कर सकते हैं। तो 25 पे जाएगा और ये 5 से जाएगा तो आप इसको भी उड़ा सकते हैं, ये जरूर जाएगा, ठीक है। अब आप देखिए कि 11 से 115 से गया, 800 आ गया, आप 800 ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। ए मैन सेल्स ए टाइपराइटर 5% लॉस, इफ ही सेल इट फॉर 80 मोर ही गेन्स 5%, द कॉस्ट वाइज ऑफ द टाइपराइटर इज कितना होगा। देखो 5% का लॉस हुआ, ये जो वैरायटी है ना बहुत ज्यादा कॉमन है एसएससी सीजीएल में या एसएससी के किसी भी एग्जाम में। 5% लॉस होता है एक तरफ, 10% है, 5% है प्रॉफिट होता है, गेन आप बोल सकते हैं पॉजिटिव लिख दिए और लॉस के लिए आप नेगेटिव रख लीजिए। दोनों का डिफरेंस 10% है तो 80 ज्यादा मिलते हैं, 80 रुपीज सेलिंग प्राइस में डिफरेंस होगा अगर 10% प्राइस इंक्रीज कर दिया जाए। अगर 100% होगा तो 800 के बराबर होगा, 800 अब उसका आंसर होगा। तो यहां पर देखिए बड़ा इसमें भी एक इंटरेस्टिंग बात होगी कि अगर आप एक्स वाई लिखते 100 लिखते फिर इसमें 15% करते, 5% लॉस करते, 95 करते या जो भी करते आप, या एक्स लिखते एक्स का 5% लॉस करके 95 वाई 100 करते, जो उस पैटर्न पे आप करते, या फिर इन दोनों का डिफरेंस करते कि 105 एक्स डिवाइड बाय 100 डिफरेंस इज 80 इस पैटर्न पे, इस फॉर्मेट पे करते, तो मुझे लगता है कैलकुलेशन का लेवल थोड़ा हाई हो जाता, कैलकुलेशन का लेवल हाई हो सकता था। बेटर आपके लिए कि आप सीधा आप विंडो टेक्निक जिसको बोलता हूं मैं, कॉन्सेप्ट क्लासेस में आप देखेंगे मेरी, तो मैंने विंडो टेक्निक का इसको बोला है,
उसका सहारा ले सकते हैं। अननेसेसरी, यहाँ पे मैसेज मेरा ये क्लियर है कि अननेसेसरी राइटिंग या अननेसेसरी चीजों को अवॉइड कीजिए, इससे आपको हेल्प मिलेगी और अपने माइंड में उसे फिक्स करके पैटर्न को हमेशा ही रखिए और उसको बार बार प्रैक्टिस कीजिए। आपके क्वेश्चन सॉल्व करने की जो टेंडेंसी है और जो 100 में से 1000 में आप 100 में आ रहे थे तो 100 में एक आने में आपको हेल्प मिलेगी। रुकना नहीं है वहां पे जहां पे कि मुझे मैथ आता है, इस अप्रोच के साथ नहीं रुकना है क्योंकि वही एक आपके लिए डेंजरस साबित हो जाएगा। कंटिन्यूस प्रैक्टिस, क्योंकि आज के टाइम में पूरा इंडिया है वो इस तरह के गवर्नमेंट एग्जाम है उसकी तैयारी कर रहा है, तो यंग जनरेशन तैयारी कर रही है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस प्रेजेंटेशन, ऑल द बेस्ट।